हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड की बयार खुशियों की सौगात लेकर आई है। दरअसल दिवाली सीजन में यहां पर्यटकों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यहां सैलानियों की आवाजाही तेजी से बढ़ने वाली है, जो लॉकडाउन से चौपट हुए पर्यटन कारोबार की भरपाई करेगी। माउंट आबू के पर्यटन कारोबारी इस सीजन में सैलानियों की आवक से फूले नहीं समा रहे हैं। माउंट आबू में इन दिनों से सैलानियों की धूमधाम है। गुजरात से भारी संख्या में सैलानी और श्रद्धालु माउंट आबू पहुंच रहे हैं। आधा गुजरात जिस प्रकार से लाभ पांचम तक बंद रहता था, उसके बाद आधा गुजरात कार्तिक पूर्णिमा तक बंद कर वहाँ के लोग माउंट आबू की तरफ कुछ करते हैं। और इन दिनों माउंट आबू में दीपावली सीजन मेले की धूम लगी रहती है। माउंट आबू में 3 दिनों में नगर पालिका को 5,41,000 की वाहन पर से आए 4,455 वाहन पहुंचे। 2.5 दिन में और 55,000 से अधिक सैलानी आए माउंट आबू। 15 दिन तक चलेगी दीपावली का पर्यटन सीजन, जो शुरू होता है दीपावली के दिन से और पूर्णिमा कार्तिक तक चलता है। आलम ये है कि माउंट आबू के सभी होटल खचाखच भरे पड़े हैं। माउंट आबू में गुजराती सैलानी इस पर्यटन सीजन में अवश्य लाभ उठाते हैं और माउंट आबू के लोगों को भी पूरे साल इस सीजन का इंतजार रहता है। माउंट आबू के व्यवसाय भी इस सीजन में खूब चलते हैं और पर्यटक यहां पर्यटक स्थलों को खचाखच भरे पड़े रहते हैं। वहीं माउंट आबू की नक्की झील स्त्री बन जाती है। चाहे देश में कोरोना काल का दौर चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहां आने वाले सैलानियों में कोई कमी नहीं है। एक्सपर्ट और कारोबारियों का ये भी मानना था कि यहाँ पर्यटन दिवाली के सीजन में पटरी पर आएगा और वही होता दिख रहा है। चाहे माउंट आबू में सर्दी का सीजन हो, तापमान गिरा हुआ हो, उसके बावजूद भी माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। प्रशासन द्वारा माउंट आबू के सीजन को देखते हुए विशेष कार पार्किंग व्यवस्थाएं की है। माउंट आबू का पोलो ग्राउंड वाहनों से भरा पड़ा है। अब ये साफ है कि माउंट आबू जो सैलानियों की आवक की मार झेल रहा था और जो यहाँ का पर्यटन कारोबार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चौपट हो गया था, वो अब पूरी तरह पटरी पर आता दिख रहा है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अशोक वर्मा, पूर्व अध्यक्ष नक्की झील व्यापार संस्थान, इन्होंने ये कहा। ये दिवाली का जो सीजन हमेशा से जो चलता आ रहा है, उसी प्रकार से अभी इस साल भी अच्छा चल रहा है। जितनी हम आशा कर रहे थे लॉकडाउन के बाद में, हमें थोड़ा डाउट सा लग रहा था, लेकिन अभी ये कल से भीड़ अच्छी आ रही है आबू में, टूरिस्ट अच्छे आ रहे हैं काफ़ी तादाद में, और मुझे लगता है ये पूर्णिमा तक चलना चाहिए। अच्छा, जो हर साल चलता है, पंचमी तक छुट्टी होती है अहमदाबाद में, उसका हमें फ़ायदा मिलता है और टूरिस्ट अभी अच्छा है, ठीक है, मतलब हम इसमें संतोष व्यक्त कर सकते हैं। व्यापार भी हमारा ठीक हो रहा है। कोरोना काल के बाद में वैसे मंदी बहुत देखी गई थी, लेकिन अभी इस समय अगर ऐसा रहता है तो ये ईश्वर की कृपा समझते हैं हम तो। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पर्यटक, इन्होंने ये कहा। तो हर साल हम लोग आते ही रहते, तो इस बार थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ी थोड़े कम लोग आए हैं, मगर तो अभी कोरोना की वजह से बाकी धंधा वंधा सब ऐसे फर्स्ट क्लास से चल रहा है, बाकी सब अच्छा लग रहा है यहाँ पे पब्लिक को देख के। शिखर और नक्की लेक सनसेट पॉइंट। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।